गैस, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ब्लू बीटल की मौत हो जाती है, फिर उसके बाद हमारे नेक्स्ट चैप्टर की स्टोरी स्टार्ट होती है, जहां ये बताया गया था कि कैसे सुपरमैन और उसकी कजन अलग हुए थे जब क्रिप्टोन तबाह हुआ था। फिर लगभग 35 इयर्स के बाद कारा अर्थ पर पहुंच जाती है, लेकिन उस टाइम उसका क्राफ्ट क्रैश हो जाता है, पर उसकी किस्मत अच्छी होने के कारण ब्लैक एडम उसे बचा लेता है। यहाँ तक हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था, तो चलिए फिर शुरू करते हैं इनजस्टिस 2 का नेक्स्ट एपिसोड। गाइस, एपिसोड शुरू होता है एक जगह से जिसका नाम खंदक है। यहाँ ब्लैक एडम कारा को बोल रहा है, हिलने की कोशिश मत करो, मुझे नहीं पता तुम इस क्राफ्ट में कब से थी, पर तुम्हारे मसल्स बहुत कमजोर हो चुके हैं, और पूछता है क्या तुम क्रिप्टोनियन हो। फिर बाहर से कोई ब्लैक एडम को आवाज लगाता है, तो एडम कहता है चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे पास बहुत से क्वेश्चंस हैं, पर हम बाद में बात करेंगे। फिर उसकी सर्वेंट नवाल उसे कहती है बॉर्डर पर कुछ मूवमेंट दिखाई दे रही है। फिर ब्लैक एडम नवाल से कहता है कि कारा का ख्याल रखना और उसे धूप में ही रहने देना, और अगर वो बात करती है तो इमिडिएटली मुझे इन्फॉर्म करना। फिर वो वहां से जाने लगता है, तो नवाल पूछती है आप कहाँ जा रहे हैं, तो ब्लैक एडम कहता है कि ये सब कुछ कारा के क्राफ्ट के कारण हुआ है और हमारे पड़ोसी ने इसे जरूर नोटिस किया होगा। फिर ब्लैक एडम वहां से चला जाता है। फिर हम पहुंच जाते हैं ईस्टर्न बॉर्डर पर। फिर बॉर्डर पर एक आर्मी ऑफिसर एडम को कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट उड़ते हुए खंदक में क्रैश हुआ है और तुम उसके पास देखे गए हो, तो एडम कहता है मैं वहां कैसे हो सकता हूँ, मैं तो खंदक एयर स्पेस में था, और अगर ये ऑब्जेक्ट तुम्हारे देश के लिए इम्पोर्टेंट है तो ये तुम्हारा कंसर्न नहीं होना चाहिए, ये खंदक में क्रैश हुआ था और अब ये मेरे लोगों का है, और तुम लोग इसे सीज करने वाले थे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो आर्मी ऑफिसर डर जाता है और कहता है ये तो सिर्फ एक कन्वर्सेशन थी, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले थे। फिर एडम गुस्से से बोलता है कि तुम लोग कन्वर्सेशन के लिए टैंक्स लेके आते हो। फिर एडम वहां से जाने लगता है, लेकिन आर्मी ऑफिसर फिर भी कहता है कि मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। तो एडम कहता है कि अब सवाल जवाब बहुत हुए, वैसे भी तुम लोगों ने खंदक के लोगों की तरफ अपने हथियार किए हैं, ये तुम्हारे लिए बहुत महंगा पड़ सकता है, पर फिर भी मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। लेकिन ऑफिसर उसे फिर भी रोकने लगता है, और तभी एडम के सजैम बोलते ही एक जोर का बिजली का झटका उसे जलाकर रख देता है, और फिर सारी की सारी आर्मी एडम पर हमला करने लगती है, लेकिन इससे एडम को कुछ फर्क नहीं पड़ता है और वो पूरी की पूरी आर्मी को खत्म कर देता है। फिर जो ऑफिसर सेकंड इन कमांड होता है उसे एडम कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने प्रेसिडेंट को कुछ बताओ, और कहता है अगर दोबारा तुम लोगों ने खंदक की तरफ अपनी आंख भी उठाई तो ये तुम्हारे देश का अंत होगा। उसी वक्त राहुल के सिपाही सुपर हीरो ये सब कुछ देख रहे थे, उनमें से एक सुपर हीरो कहती है विक्सन हम पीछे क्यों हट रहे हैं, हमें ये सब कुछ रोकना चाहिए। इस पर विक्सन कहता है नहीं अभी नहीं, जो भी हमने अभी देखा उसे हमें राहुल को बताना होगा, और वो वहां से चले जाते हैं। फिर ब्लैक एडम भी वापस खंदक आ जाता है। वहां आते ही उसकी सर्वेंट नवाल उससे कहती है माय लॉर्ड उस लड़की ने बात करना शुरू कर दिया है, और ये बात सुनते ही एडम उसके कमरे में चला जाता है। तो कारा तो अभी सदमे में थी और अपने प्लेनेट के खत्म होने के कारण रो रही थी। फिर कारा एडम को कहती है ये कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी कुछ घंटे पहले ही हुआ हो, पर इस पर एडम कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता और हम कल बात करेंगे, पहले तुम अपनी स्ट्रेंथ को दोबारा से गेन कर लो। तो कारा कहती है नहीं प्लीज मुझे बताओ, मैं बहुत सोच चुकी, और तुमने कहा तुम मेरे कजन कालल को जानते हो, लेकिन वो तो अभी बच्चा है। इस पर एडम कहता है कि अब वो कोई बच्चा नहीं रहा, मैं उसे फॉलो करता हूँ और वो एक ग्रेट लीडर है, उसने मुझे सही रास्ता दिखाया और उसके जैसा बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। तो कारा कहती है मुझे लगता है मैं बहुत वक्त से सो रही थी, लेकिन अब मुझे उसे देखना है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो मुझे कहाँ मिलेगा, और मुझे बताओ कि क्या हुआ था जब मैं सो रही थी। तो एडम उससे सब कुछ बताता है और कहता है कि उसे इस्तेमाल किया गया और उसकी वाइफ और बेटे दोनों को मार दिया गया, बट सुपरमैन जो अर्थ पर उसका नेम है वो फिर भी दुनिया को अच्छा बनाने के लिए काम करता रहा, उसने लोगों को उन दुखों से बचाया जो उसने झेले थे, उसने एक और हीरो की हेल्प भी मांगी जो उसका बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम बैटमैन था, जो सालों तक उसके साथ रहा, बट कालेल के सबसे बुरे वक्त में उसने उसका साथ छोड़ दिया, उसने कालेल को धोखा दे दिया, वो अकेले सुपरमैन को नहीं हरा सकता था, तो उसने दूसरे डायमेंशन से तुम्हारे कजन के ट्विस्टेड वर्जन को इस डायमेंशन में खींच लिया, उन लोगों ने तुम्हारे कजन और उसके फ्रेंड्स को हरा दिया और उन्हें बंदी बना लिया। ये सब सुनकर कारा सीधे कहती है तो हमें उसे छुड़ाना होगा, तो एडम कहता है ये सब इतना आसान नहीं है, हम ये सब अकेले नहीं कर सकते, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि बैटमैन एक ऐसा बंदा है जो तुम्हारे उसे छुड़ाने से पहले ही उसे मार देगा, लेकिन कोई है जो हमारी हेल्प कर सकता है, सुपरमैन का प्यार जिसे एक आइलैंड पर बंदी बनाकर रखा गया है, वो एक वॉरियर है, हमें पहले उसे छुड़ाना होगा, फिर वो तुम्हें ट्रेन भी कर सकती है ताकि हम सुपरमैन को छुड़ा सकें।
पर पहले तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ और एबिलिटीज को गेन करना होगा। तो कारा पूछती है कौन सी एबिलिटीज। इस पर एडम कहता है कि क्या तुम नहीं जानती, पर चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हें पता लग जाएगा। लेकिन यहाँ से बाहर बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हें हेट करेंगे, तो तुम अभी तक यहाँ से बाहर मत निकलना, इसीलिए अभी खंदक ही तुम्हारा घर है। तो गाइस एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस एपिसोड थोड़ा छोटा था, मैंने इस एपिसोड में कॉमिक बुक का एक ही चैप्टर इंक्लूड किया है, क्योंकि पिछले एपिसोड्स में दो डिफरेंट चैप्टर्स की कहानी मिक्स हो रही थी। नेक्स्ट एपिसोड्स में आपको दो सिमिलर एपिसोड की कहानी एक साथ देखने को मिलेगी। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो से अपडेटेड रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू एंड गुड बाय।